प्लस एक्स है विद्यार्थी, पान प्लस एक्स का वैल्यू तो नहीं, लेकिन रूट वन प्लस एक्स का वैल्यू आप लोग पढ़े थे लगता है, वन बटा टू रूट थ्री प्लस वन, याद है आप लोग को? नहीं याद है तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान रखे थे रूट थ्री बाई टू, इसको हल किए थे तो टू प्लस रूट थ्री बटा दो। अब ध्यान दीजिएगा, आपने ऊपर नीचे दो से गुना किया था, याद है आप लोगों को? याद नहीं है। चार का वर्गमूल दो, टू को हटा दीजिए, तीन को ऐसा दो टुकड़ा में तोड़िए कि चार आ जाए, तो तीन और एक रूट थ्री प्लस वन, यही तो हमने लगता है लिखा अभी, याद है आप लोगों को? इसको मिटाओ, इस लाइन को मिटा दें। अब सीखिएगा, हम लोग मान रख रहे हैं, ऊपर है विद्यार्थी जी वन प्लस एक्स, तो वन में रूट थ्री बाई टू जोड़िएगा तो हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री बटा दो, यस या नो? नीचे होगा वन प्लस, ध्यान दीजिएगा, वन बटा टू रूट थ्री प्लस वन, बोलिए ना हाँ या ना? किसका मान आ गया अब प्लस, उसी तरह से वन माइनस एक्स, वन बाई टू टू माइनस रूट थ्री बटा वन माइनस वन बाई टू रूट थ्री माइनस वन, प्योर है आप लोग? अब चलिए, दो तो खत्म हो जाएगा, टू प्लस रूट थ्री हो जाएगा, नीचे देखिएगा एलसीएम दो लीजिएगा तो दो और एक थ्री प्लस रूट थ्री, और दो दो यहां भी बटा में दो, यहां भी दो, दो से दो क्या हो गया समान प्लस, ध्यान दीजिएगा टू माइनस रूट थ्री बटा, देखिएगा दो यहां आ जाएगा तो दो, अब माइनस माइनस प्लस तो दो एक थ्री माइनस रूट थ्री। अब देखिए कंजुगेट करने की जरूरत नहीं, नीचे ऑलरेडी कंजुगेट आ गया तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नौ में से तीन गया, ऊपर हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री इंटू थ्री माइनस रूट थ्री, आए ना? हम चाह रहे हैं डायरेक्ट गुना करके लिख दें, एक स्टेप बचा ले गुना कर दें, तो पहले तीन से गुना करिए, तीन दोने अब प्लस थ्री रूट, अब फिर रूट थ्री से गुना करिए माइनस टू रूट थ्री, अब माइनस हो गया, अभी इधर क्रॉस गुना होगा तो तीन से गुना करिए, तीन दोने और थ्री रूट थ्री, बोल नहीं रहे, फिर रूट थ्री से गुना करेंगे टू रूट थ्री, फिर रूट थ्री से, सही है? रुकिएगा, थ्री रूट थ्री प्लस में, थ्री रूट थ्री माइनस में, कैंसिल हो गया, बोलते नहीं है, आगे टू रूट थ्री माइनस में, टू रूट थ्री प्लस में, कैंसिल हो गया, आगे देखिएगा छः छः बारह में से छः गया तो ऊपर भी छह नीचे भी कट के कितना आया है आप लोग, देखिएगा ट्वेल्व बटा कितना लिखा हुआ है, थ्री प्लस रूट फाइव प्लस टू रूट टू, सही है? अब बोलिएगा सर ये तीन गो है, इसका कैसे कंजुगेट करें? तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, दो गो को एक ग्रुप में ले लो, चलिए देखते हैं बना के, ट्वेल्व बटा थ्री प्लस रूट फाइव प्लस टू रूट टू इंटू
थ्री प्लस रूट फाइव माइनस टू रूट टू, क्या ऐसा बोल सकते हैं आप लोग? हाँ है ना, जितना से नीचे गुना उतना ही से, तो हो जाएगा थ्री प्लस रूट फाइव माइनस टू रूट, यस या नो? चलिए ऊपर तो रहने दीजिए, बारह थ्री प्लस रूट फाइव माइनस टू रूट टू, बटा नीचे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो जाएगा इसका होल स्क्वायर ना, इसका होल स्क्वायर करिएगा नौ पान चौदह प्लस सिक्स रूट फाइव होगा, अब माइनस बी स्क्वायर का मतलब आठ आया ना, अब चौदह में से आठ गया छह आ जाएगा, तो छह कॉमन लेके काट लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा टू थ्री प्लस रूट फाइव माइनस टू रूट टू, और नीचे हो जाएगा रूट फाइव प्लस वन, रूट फाइव प्लस, अब रूट फाइव प्लस वन को हम लोग रूट फाइव माइनस वन से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, जल्दी बोलिए हाँ, बोलिए ना हाँ या ना। अब जब रूट फाइव माइनस वन से गुना करने गए तो जरा केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, रूट फाइव से पहले गुना कर लें, रूट फाइव से कितना हो जाएगा, थ्री रूट फाइव प्लस फाइव माइनस टू रूट टेन, हम माइनस वन से गुना करिए माइनस थ्री माइनस रूट फाइव और प्लस टू रूट टू, अब बटा में जल्दी बोलिए चार आ गया, तो दो दो ने सही है, ऊपर हल करिए थ्री रूट फाइव में से रूट फाइव गया टू रूट फाइव, और पांच में से तीन गया तो आठ, और बोलिए थ्री रूट फाइव ये फाइव हो गया, ये दोनों भी हो गया माइनस हो गया टू रूट टेन, अब प्लस हो गया, अब बटा में कितना, अब दो कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो गया तो बच गया जल्दी बोलिए रूट फाइव अरेंज कर दीजिए छोटा से बड़ा की ओर, वन रूट टू रूट फाइव रूट टेन है, कहीं कौन सा आंसर? ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है क्या? ए इंटू बी इज इक्वल टू वन है, बोलिए कैसे देखेंगे? तो ये जितना है उसी का तो उल्टा है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब उल्टा ही ना है, मतलब ए और बी एक दूसरे का इनवर्स है, इसका मतलब केवल ए प्लस बी निकाल लो तो जो चाहोगे सब, ए प्लस बी निकालने की तरीके सिखाए थे आप भूल गए होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस, टू ए बी, टू ए बी कर जाता था दुगो ए स्क्वायर है, दुगो ए स्क्वायर का मतलब पांच, बी स्क्वायर का मतलब एक, तो पांच एक तो छह दुनी बारह, नीचे में बचेगा चार ना, तो बारह बटा चार का मतलब, अगर ए प्लस बी का मान तीन है तो कोई बंदा अगर स्क्वायर करने कहेगा तो आध है आप लोग को, आध है भाई, कोई बंदा अगर आपको क्यू करने कहे तो जल्दी बोलिए तीन का क्यू सताइस में से तीन तिया नौ घटा दी याद है, कोई बंदा अगर फोर करने कहे तो भी आपको पता होगा इसका स्क्वायर करके दो घटा दीजिएगा, बताए कि नहीं बताए, बोलवे नहीं करिएगा, यहां तक कि आपको फाइव करने के भी तरीके सिखाए थे भुला गए होंगे, फाइव करने के लिए स्क्वायर और क्यू को घटा गुना करेंगे और वन वाले को घटाएंगे, तो अठारह सते छब्बीस एक सौ छब्बीस में से तीन यानी एक सौ, बोलिए ना हाय ना सही है, अब जो मान पूछता है निकाल लीजिए, और जो भी बोले नहीं बताए झूठ बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा,
जिंदगी में सब कुछ कीजिए, झूठ मत बोलिए। ऐसा दिमाग से हटा लीजिए कि मुझे कोई चीजें नहीं याद रहती है, पढ़ाने वाली चीजें एक एक चीज याद रहती है, हम ही बताए हैं। लेकिन अभी आप ही लोगों ने कोई बोला कि नहीं बताए, क्या कि हम ही झूठ बोल रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का मान तीन है, तो तीन आई एक, चार ऊपर हो गया, तीन में से एक गया, जल्दी बोलिए। तो चार बटा दो का मतलब, तो कहीं पढ़ने जाइए ना, आपको इसमें मान रखने कहेगा, हल करने कहेगा, यार करते करते तो समय खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान आपको पता है कितना? सात, यही हो जाएगा दो, तो सात दो, यहां सात में से एक गया, अर्थात नौ बटा छ का मतलब डेढ़। बनाने आएगा? ए क्यू बी क्यू पढ़े ना, कितना है? अठारह दो बीस बटा अठारह में से आठ गया, आंसर कितना? क्या आप लोग को यहां तक समझ में आया? फिर से पूछ लीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।